मेरा नाम अक्षय नारायण पारिक है और मैं राजकीय महाविद्यालय बूंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज का हमारा ये वीडियो कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। और इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वर्ष पर्यंत हमें किस पाठ्यक्रम के अनुसार, किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार अध्ययन करना है एवं हमारे अध्ययन के उद्देश्य क्या होंगे। क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उसके उद्देश्य। बिना उद्देश्यों के किसी भी विषय का अथवा किसी भी रूपरेखा का निर्धारण संभव नहीं है। तो हमारे अध्ययन के जो उद्देश्य होंगे, वो पहला उद्देश्य होगा विषय की समझ को विकसित करना, अर्थात समाजशास्त्र विषय की समझ को विकसित करना। एवं दूसरा उद्देश्य होगा जो कोटा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार हमें परीक्षा के लिए तैयारी करनी। अर्थात इन दोनों ही उद्देश्यों को लेकर हम अध्ययन करेंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो सबसे जो उचित माध्यम है एक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जुड़ने का, वो शायद इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस महामारी, इस COVID-19 के काल में हमें हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं छोड़ना है और साथ ही हमारे उद्देश्यों को नहीं भूलना है। तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें हमारा अध्यापन और अध्ययन कार्य प्रारंभ करना है और जारी रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके समाजशास्त्र विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय, जो कि दोनों ही प्रश्न पत्र 3 घंटे के होंगे और जिनके लिए 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है एवं किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। तो हम देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 3 खंड होंगे प्रत्येक प्रश्न में, प्रश्न पत्र में, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र हो या द्वितीय प्रश्न पत्र हो, दोनों में ही 3 खंड होंगे। और जो पहला खंड होगा उसके लिए 10 अंकों का निर्धारण किया गया है। और इसके नीचे आप लोग देख पा रहे हो इकाई 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th, ये 5 इकाइयां हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, अर्थात इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पहला खंड है, खंड ए है, उसमें आप लोगों के लिए क्या होगा, 2 लघु प्रश्न लेते हुए, प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न कुल होंगे और प्रत्येक का प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा। अर्थात एक खंड में से एक अनिवार्य प्रश्न करना होगा और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिनके अंकों का निर्धारण किया गया है 10। दूसरा खंड जो है, खंड ब है, उसके अंतर्गत आप लोगों को 2 प्रश्न लेते हुए, मतलब नीचे जो इकाइयों की संख्या दी हुई है, प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न टोटल होंगे और उस प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए हमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और लगभग 250 शब्दों में उन उत्तर को हमें देना होगा और इनके लिए अंकों का निर्धारण किया गया है कुल 50। अर्थात प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो है 10। 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब आगे जब हम खंड स में देखते हैं तो इसमें 4 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, जो नीचे 5 इकाइयां दी गई है उनमें से दिए जाएंगे और प्रत्येक इकाई में से 1 से अधिक प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। अर्थात 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, कुल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं जो कि कुल 40 अंक के होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब सिमिलर फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर में भी यही लागू होगा, अर्थात प्रश्नों की रूपरेखा यही रहेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो समाजशास्त्र विषय में
हमें हमारे पाठ्यक्रम में जो दोनों प्रश्न पत्र हैं वो क्या हैं, उनका सब्जेक्ट क्या है और उनमें क्या क्या हमें अध्ययन करना होगा। जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है सामाजिक विचारक अर्थात सोशल थिंकर। तो यदि हम सामान्य शब्दों में देखें कि विचारक, थिंकर, थिंकर का आशय, थिंकर का आशय है कि तत्कालीन परिस्थितियों में समाज को समझने वाला, समाज को का अवलोकन करने वाला एवं उन परिस्थितियों को अपने अनुसार अपने दृष्टिकोण से देखने वाला, अर्थात जो सामाजिक विचारक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कि निम्नलिखित जो पांच आप लोगों को जो विचारक दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, जिनमें इकाई फर्स्ट में दुर्खाइम, इकाई सेकंड में मैक्स वेबर, थर्ड में कार्ल मार्क्स, फोर्थ में राधाकमल मुखर्जी और फिफ्थ इकाई में जीएस घुरिए हैं, इन पांचों विचारकों का, इन पांचों सामाजिक विचारकों का हम अध्ययन करेंगे और इन्हीं विचारकों में से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि विचारकों को पढ़ना क्यों आवश्यक है। किसी भी समाज में तत्कालीन परिस्थितियों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है अथवा जो बुद्धिजीवी है वो उस समाज को कैसे समझ पाता है, अर्थात वो उसके दृष्टिकोण से समाज को कैसे देखता है एवं अपने नज़रिए से कैसे समाज का विश्लेषण करता है एवं किस प्रकार से उन परिस्थितियों को समझाने का प्रयत्न करता है, उन घटनाओं को, उन फिनोमिनाज को समझाने की कोशिश करता है जो कि उन परिस्थितियों में घटित हुई है। तो इसीलिए विचारकों का अध्ययन आवश्यक है। और समाजशास्त्र विषय में क्योंकि हमें केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, हमें समाज की समझ को विकसित करना है एवं प्रयत्न करना है कि इन प्रत्येक चीज़ों को हम समाज पर लागू कर सकें और ये विश्लेषण कर सकें कि क्या ये विचारक वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं अथवा इसमें कोई परिवर्तन आया है, और परिवर्तन आया है तो किन किन क्षेत्रों में आया है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें उन विचारकों का अध्ययन करना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि उन विचारकों ने उन परिस्थितियों में समाज को कैसे समझा है, अपने नज़रिए से कैसे देखा है, और ये विश्लेषण करना है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या उनकी उपयोगिता है और वो कहाँ तक प्रासंगिक हैं। क्योंकि परिवर्तन, समाज परिवर्तनशील है, निरंतर समाज परिवर्तन, समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो इन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए हमें इन विचारकों का अध्ययन करना है। क्योंकि हमें ये समझ विकसित करनी होगी कि ये विचारक समाज के लिए क्या, उन परिस्थितियों में क्या थे और वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, इसलिए भी ये विचारकों को पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम लोग इन पांच विचारकों का, इन पांच सामाजिक विचारकों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का, इनके द्वारा दी गई समाज की समझ का हम अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन्होंने समाज को कैसे समझा है। साथ ही ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद में जब हम द्वितीय प्रश्न पत्र पर चलते हैं वो है सामाजिक मानवशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या समाजशास्त्र से मिलता जुलता जो ये नाम है, क्योंकि एक शब्द है मानव, एक शब्द है समाज, तो क्या ये दोनों एक ही हैं? और यदि ये दोनों एक हैं तो फिर पृथक से विषय की आवश्यकता क्यों रही, क्यों समाज, सामाजिक मानवशास्त्र विषय या सामाजिक मानवशास्त्र को पृथक किया गया, क्यों समाजशास्त्र और मानवशास्त्र अलग अलग हैं, और यदि ये एक हैं तो अलग से क्यों निर्धारित किया गया, और यदि अलग अलग हैं तो इनमें क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है। अर्थात हम सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन करेंगे जिसमें ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र कैसे समाजशास्त्र से भिन्न है। साथ ही जो इकाई फर्स्ट है उसमें सामाजिक मानवशास्त्र परिभाषा प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र, अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र की डेफिनेशन, नेचर और उसका स्कोप, उसका अध्ययन क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के उपागम, अर्थात
सामाजिक मानव शास्त्र को किन किन उपागमों से, किन किन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है अथवा देखा गया है। इनमें संरचनात्मक प्रकार्यवाद, उद्विकासी उपागम एवं तुलनात्मक उपागम की बात हम लोग करेंगे। इकाई सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमारे समाज की जो सामाजिक संरचना है उनमें विशेष रूप से विवाह, परिवार और नातेदारी संगठन, इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या अर्थ है, इनकी क्या डेफिनेशन है एवं किस किस प्रकार से इनसे संबंधित सिद्धांतों का अवलोकन हम लोग करेंगे। इसी प्रकार से इकाई थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति, धर्म और जादू, अर्थात संस्कृति का अर्थ, संस्कृति के विकास के सिद्धांत, साथ ही धर्म साथ ही जादू, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात संस्कृति, धर्म और जादू, इन तीनों का अध्ययन इकाई थर्ड में करेंगे। और जो चौथी इकाई है आदिम, उसमें हम आदिम अर्थव्यवस्था और आदिम राजनीतिक व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आदिम अर्थव्यवस्था है, थी और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। उसी प्रकार से आदिम जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या थी और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आदिम अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुए हैं, उनकी गति थोड़ी धीमी है परंतु फिर भी उनमें परिवर्तन हुए हैं। और इकाई फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे भारत में जनजातियों की जो समस्याएं हैं और जनजातियों का जो विकास है, अर्थात जनजातियों की जो ट्राइब्स की जो प्रॉब्लम्स है वो, और साथ ही उनका डेवलपमेंट कि किस प्रकार से सरकारी प्रयासों से अथवा NGOs के माध्यम से अथवा सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से किस प्रकार से जनजातियों का विकास हुआ एवं जनजातियों से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, क्योंकि वर्तमान में भी जनजातीय समाज में अनेक समस्याएं पाई जाती है। साथ ही हम लोग इसमें राजस्थान की जनजातियों का भी अध्ययन करेंगे जिनमें विशेष तौर से भील, मीणा, गरासिया और शहरिया, इन चारों जनजातियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड पेपर की का जो हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम ये जान पाए हैं कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत हमें क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक है एवं किन किन चीज़ों का हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो इससे संबंधित था कि आप लोगों को इससे संबंधित समझ विकसित हो कि क्यों किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी सिलेबस को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, किस पाठ्यक्रम में से हमें प्रश्नों को पूछा जाएगा और हमें उत्तर देने होंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे कि समाजशास्त्र विषय का जो द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं उनका जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज हम लोग एक एक टॉपिक को लेके और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे।